रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, हिंदी वर्ड बहुत पसंद है मुझे। तो रचनात्मकता या क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है, आप जितना भी इस्तेमाल करो, जितना भी खर्च करो, आपके पास ज्यादा होगा। तो आप जितना अपना क्रिएटिविटी यूज करते हो या आइडियाज यूज करते हो, तो आपके पास और आइडियाज जनरेट होंगे और आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, बिकॉज उस क्रिएटिविटी जो आप यूज कर रहे हो ना, उसमें से आप सीखते हो, समझते हो और नए नए चीज का इनोवेशन होता है अपने मन में। आज हम हैं दिल्ली में एब्सिंथ डिजाइन। पिछले साल फरवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था, द टाइम मैजिशियन, हमारे दोस्त अभिषेक बसक, अभिषेक दा, उनके गैलरी जहां पे वो पुराने वॉचेस से नए नए डिजाइन वगैरह बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। उनका अभी नया गैलरी है दिल्ली में एंड वहां पे हैं, बट ये सुंदर सा पैलोडेरियम के बारे में बात करने के लिए अभिषेक दास से मिलेंगे, ये पैलोडेरियम के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर का टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा इंडियन मेड है। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंडिया से ना हो या यहां पे लोकली ना बना हो, वो इसका यूनिक पॉइंट है। एंड ऑफ कोर्स उनका जो क्रिएटिविटी है वो आपके सामने है, ठीक है? तो आखिरी तक बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलो ये पहले इस पैलोडेरियम का यूनिकनेस एंड साइज डायमेंशन समझते हैं, फिर उसके बाद प्लांट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स अभिषेक दास से भी बात करेंगे। ये टोटल जो सिस्टम है 7 फीट का है, यहां से नीचे से लेके ऊपर तक। ये जो पैलोडेरियम जो है यहां से लेके यहां तक, ये 4 फीट का है एंड ये भी कुछ 4 फीट का है, बट इसका यूनिक पॉइंट, ये एक कोने में है, रूम के कोने में है एंड ट्रायंगुलर शेप है, तो ये बहुत यूनिक हो जाता है। बिकॉज जो भी आप, अगर इंटीरियर डिजाइनर या कोई यू नो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी रुचि है, तो आप समझोगे कि कोना जो है, कॉर्नर्स को ब्यूटीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एंड इनका जो गैलरी है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक कोना उन्होंने ये सुंदर सा पैलोडेरियम बनाया है। सो अभिषेक दा, एक साल बाद मिल रहे हैं। यस सर, बैक टू दिल्ली एंड नाउ टू माय न्यू प्लेस। पहले हमारे जो ऑडियंस है ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आपका जो कंपटीशन वाला टैंक था, हमने उनको दिखाया नहीं था एंड कंपटीशन में क्या हुआ, या आप मेरे को कह रहे थे कि पार्टिसिपेट नहीं किया, बट पब्लिक डिमांड है बस उसका। एक्चुअली क्या हुआ कि एकदम एंड में जाके, बिकॉज उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था और मेरे आसपास बहुत लोगों के, आई मीन 24 आवर्स में हॉस्पिटल ढूंढने में और ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने में, तो वो टाइम इतना खराब गया कि आई कुडंट फिनिश द टैंक एंड आई कुड नॉट डू द फाइनल फोटोग्राफी उस टैंक का, कर नहीं पाया उसको। बना था बहुत अच्छा, मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगा, लेकिन जो कंपटीशन वाला फिनिशिंग चाहिए वो नहीं था, वो इस बार पैंडेमिक सेकेंड वेव के वजह से हो नहीं पाया। फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दादा। अभी ये आपने बहुत मेहनत किया दादा एंड सक्सेस ये होता कि आप फोटो कंपटीशन में डालते, जीतना ना जीतना अलग बात है, बट ये एक हिसाब से फेलियर हुआ। आप ये फेलियर को लेके आगे क्या करने वाले हो? तो सी,
मैं जब टैंक बनाता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने टैंक को कितना अच्छे से बनाया, जो जो चीज़ मैं करना चाहता था वो स्केप वाइज, प्लांट ग्रोथ वाइज, हेल्थ वाइज मैं कर पाया कि नहीं, पहली बार। सेकेंडली, अब इसमें जैसे जो भी ये जो कंपटीशन में भेज नहीं पाया, इसका जो भी सीख है ना, नाउ आई नो कि कैसे भी करके, क्योंकि इतना मेहनत एक तरीके से तो कंपटीशन के हिसाब से तो बेकार के। तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम आई वांट टू प्लान इट ऐसे कि हर स्टेज पे, कि जैसे एक स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री होता है, हर स्टेज में एक एक फोटो ले लो। ठीक है, अगर कोई भी रीजन की वजह से मैं फाइनल स्टेज थ्री का फोटो नहीं डाल पाया, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन के लिए तो मैं स्टेज टू का फोटो डाल सकता हूँ ना। करेक्ट। तो ये चीज, ये गलती मैं पहले से नहीं करूंगा। जैसे ही मार्च आया, अप्रैल आया, हर 15 दिन के डिस्टेंस पे एक शानदार फोटो ले लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करते देखने के लिए, ये भी कि कहाँ पे ग्रोथ चाहिए, कहाँ पे कलर नहीं आ रहा है, एक जो फोटोजेनिक बात होता है। तो फोटो के बेसिस पे आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। एंड बाय चांस कई बार एक्सीडेंट होता है, बाय चांस अगर टैंक क्रैश कर गया, आपके पास एक फोटो तो है ना रेडी, सो यू आर एबल टू पार्टिसिपेट। फेलियर का कोई मतलब नहीं है, फेलियर से सीखो और आगे सक्सेस पाओ। अगर गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं, और उठोगे नहीं तो गिर के फिर से उठने का मौका नहीं आएगा। तो ये आज का सीख है, ये आज का सीख है। बट आज हम इस पैलोडेरियम के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ एक आर्टिस्ट अभिषेक दा जैसे, जो बहुत क्रिएटिव है, उनके गैलरी में ऑलरेडी बहुत सुंदर सुंदर चीज है, उनको ये क्यों चाहिए? वो कहते हैं कि ये ग्रीन आइलैंड है। मतलब काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें देख के सडनली जब हम ग्रीनरी देखते हैं तो हमारा मन शांत होता है। एंड ऑफ कोर्स सीक्रेट क्या है, ऐसे गैलरी में अगर ग्रीनरी हो तो कस्टमर खुश, कस्टमर शांत, तो सेल्स भी थोड़ा ज्यादा। मैं लोगों को ये समझा रहा था कि आपका इतना सुंदर एक गैलरी है, एक आर्ट फॉर्म है आप जो करते हो, द टाइम मैजिशियन, हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, एंड आप वॉच पार्ट्स से आर्ट बनाते हो, तो ऑलरेडी इतने सारे सुंदर चीज है यहाँ पे। तो एक मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके ऑफिस में छोटे छोटे पैलोडेरियम्स या यू नो बोल्स वगैरह है, एंड ये सब अगर क्यों है? क्योंकि इसके कई सारे रीजन है, क्योंकि हर चीज मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है। एक तो पर्सनली मैं कुछ भी काम करूं, मेरे आसपास ग्रीनरी होना चाहिए। आपने देखा कि मैं एक्वास्केप करता हूं, अब टेरेडियम्स और पैलोडेरियम्स, मेरे आसपास ग्रीन होना चाहिए। तो इस कमर्शियल एरिया में भी मैंने गार्डन बनाया है। तो ये क्या है, ये इंसान को बहुत इंस्पिरेशन देता है। मेरा काम अगर आप माइन्यूटली देखोगे उसमें नेचर का इंस्पिरेशन बहुत है। तो मुझे इंस्पिरेशन चाहिए होगा, लोग तो मरते हैं इंस्पिरेशन के लिए, मुझे यहाँ पे आके खड़े होना अपने ही ऑफिस में मुझे बस यहाँ के खड़ा। दूसरी बात यह है कि जब लोग इतने सारा मेरा काम, ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, ये मैंने क्रिएट किया है कि थोड़ा आंख को एक डिसेंसिटाइज करें, एक थोड़ा सा आंख को सूद करे। तो हर एक सेगमेंट के बीच में मैंने एक एक ग्रीन आइलैंड बनाया है, इसलिए एक लिटिल पीस ऑफ नेचर सारे मैनमेड चीज के बीच में एक नेचुरल चीज है, जो लोगों को ऑटोमेटिकली थोड़ा सूद करे, उनको आंखों को थोड़ा सूद करे। जैसे हम अगर परफ्यूम सूंघने जाते तो हमें बीच बीच में कॉफी सुखाते हैं। हाँ। तो इनका काम वो है कि लोग मेरा काम देखेंगे फिर बीच में थोड़ा। तो आप बताइए अभिषेक दा, बिकॉज वीडियो देखने वाले बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हैं, उनके छोटे छोटे शॉप्स होंगे या एक मेडिकल स्टोर होगा या कुछ और होगा, वहां पे अगर छोटा सा कुछ ग्रीनरी अगर रख पाए तो फायदा क्या है? तो एक तो देखिए, आई थिंक नेचर का जो हमारा एप्रिसिएशन है ना, ये हमारा इंट्रिंसिक है। आपको बहुत ही शायद लाखों में एक बंदा मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं, मुझे नेचर नहीं पसंद है, काट के जला के खत्म करो। करेक्ट, राइट। अब हमारे सिटीज में, हमारे हर दिन के लाइफ में हमारे साथ नेचर के इंटरेक्शन जो है वो कम होते होते मिल हो गया। Yes. और उसके वजह से आप प्रॉब्लम्स देखो, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम, हर चीज में हम तंग होकर घर पहुंचते हैं। तो हर कहीं पे भी अगर ये थोड़ा सा एक लिविंग ग्रीन
कलरफुल, एक नेचुरल चीज़ आपके पास, छोटा सा टेबल टॉप भी हो ना, आप उसके तरफ देखोगे या आपका क्लाइंट आके उसके तरफ देखेगा ना, ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है, पीपल स्टार्ट स्माइलिंग, बच्चे आके यहाँ पे अटक जाते हैं, ये क्या है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये आप ना मूवी दिखा के ना कुछ करके क्रिएट कर सकते। ग्रीन आइलैंड जो है हर एक शॉप में होना चाहिए, थोड़ा ग्रीनरी हम वापस लेके आना चाहिए अपने घर के अंदर, अपने शॉप के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। अगेन ये ऑक्सीजन जनरेटर्स है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम शांत है, स्ट्रेस फ्री है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ओके, इस पैलोडेरियम में कुछ 35 प्लस वैरायटीज के प्लांट्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स बहुत इंडिजीनियस, मतलब उत्तराखंड एरिया से लोकली कलेक्ट किया गया प्लांट्स या मॉसेस है। एक रोज मॉस करके है, बहुत सुंदर है, मैं दिखाऊंगा आपको, वेरी यूनिक, बहुत सुंदर ग्रो होता है। एंड नेचुरली जैसे वो ग्रो होता है उससे भी बेटर यहाँ पे ग्रो हो रहा है, बिकॉज इसका कंडीशंस बहुत अच्छा है। कंडीशन से याद आया, ये कॉन्स्टेंटली 22 और 23 डिग्रीज के बीच में रहता है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इंडियनाइज्ड एंड लोकलाइज्ड, वेरी क्रिएटिव, ओके, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है सिर्फ इसके लिए, ठीक है। बाकायदा कंप्रेसर, यू नो द होल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को खोल के इसमें फिट किया गया है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अगेन क्रिएटिविटी, रचनात्मक था। आप क्यों ना हमें ये प्लांट्स के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं कि कौन से वेराइटीज के प्लांट्स है एंड क्या है इसमें यूनिकनेस क्या है। तो ये पैलोडेरियम मेरे शोरूम में है, करेक्ट, और जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे मुझे ग्रीन ऑक्सीजन फैक्ट्री चाहिए। मुझे एक जगह चाहिए कि सारे स्ट्रेस से दूर होकर मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊँ और मेरा सारा स्ट्रेस दिमाग से निकल जाए। तो इसलिए पैलोडेरियम को मैं बहुत नेचुरल बनाना चाह रहा था कि इसमें प्लांट्स जो हो वो एक्चुअली नेचर से उठाया गया हो। इसमें मैंने इसमें इंडोनेशिया के बुसफिलेंड्रा से लेके हिमालय के मॉसेस डाले हैं, और जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है इसमें, टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है इसमें, फर्न्स है, मॉस है, बहुत सारे प्लांट्स है जो मैंने कभी पहले अटेम्प्ट भी नहीं किया है। क्योंकि 4-5 प्लांट लेके तो कोई भी बंदा बना सकता है। अब मजा उसी में है कि आप नया नया रोड साइड से उठा के प्लांट डाल के देख रहे, राइट, और हर प्लांट का एक अपना ब्यूटी होता है। Correct. हर प्लांट, हर शेप का, हर लीफ का एक अलग कलर, एक ब्यूटी होता है। तो ये मेरा एक किस्म से लैबोरेटरी है। तो ये ज्वेल ऑर्किड नहीं, बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत, बट उसमें एक्चुअली फ्लावर्स कुछ नहीं आता, बोलते हैं ज्वेल ऑर्किड बिकॉज ऑफ द लीव्स। ये एक्चुअली ग्राउंड ऑर्किड कहते हैं, ये अनलाइक अदर ऑर्किड ये ग्राउंड में होता है, तो पैलोडेरियम के लिए बहुत ही। इसमें एक और ट्रिक क्या है, अभी मुझे भी नहीं मालूम है कि ये कैसे आने वाला है, बट मेरा फीलिंग है अगर ज्यादा पानी हो तो ये शायद उतना खास ना आए। ओके, वेरी सिमिलर टू आपका ये जो फिटोनिया स्पीशीज, तो क्यों ना एक समय लग दिस डालते हैं ना। हाँ, लैबोरेटरी है, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 4-5 पीस है तो अलग अलग जगहों में डालते हैं, थोड़ा कम लाइट वाले जगह में, थोड़ा ज्यादा लाइट वाले जगहों में, देखेंगे जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है। हाँ, वो देन वी विल अंडरस्टैंड कि वो करेक्ट जगह है, करेक्ट जगह है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो ये मेरा एक किस्म से लैबोरेटरी है जहाँ पे मैं प्लांट्स हर चीज का मैं एक मिक्स में ट्राई कर पाऊँ। तो इसमें एक्वाटिक मॉस है, इसमें हिल मॉसेस है, इसमें एक्वाटिक प्लांट जैसे पिनाटिफिडा है, बुसेफिलेंड्रा है, फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट जैसे फिटोनिया है, अर्थ स्टर या क्रिप्टेंथस है, अलग अलग टाइप के, मुझे सारे फर्न्स के नाम भी नहीं आते, मेडन हेयर फर्न है, कुछ फर्न मुझे जंगल में मिल गया मॉस के साथ आके उसको उठा के लग, आप देखो ये मॉस के अंदर से कुछ पौधे निकल रहे हैं अपने, मैंने नहीं लगाया वो अपने आप आया। अब वो निकल के क्या बनेगा देख लेंगे, वही मजा है। हमने एक वीडियो बनाया था कि हमने बॉम्बे में हमारे ऑफिस की दीवार या ऑफिस के पीछे की दीवार पे हमने मॉस निकाल के एक छोटा सा आइलैंड बनाया था और एक वाटरफॉल भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और वो वाला वीडियो मुझे बहुत इंस्पायर किया है। ओके, और उसी वाले वीडियो से इसलिए मैंने, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं मार्केट में ढूंढते हैं कि चलो व्हीपिंग मॉस लगाओ, ये लगाओ, बोला ऐसे मॉस ढूंढो जो किसने पहले उगाया नहीं हो, करेक्ट, और उसको ग्रो करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाओ कि उसको लगे वो अपने नेचर, नेचुरल हैबिटेट में ही।
तो आप इसमें देखोगे कि जो हम हिल से मॉस लेके आए थे वो यहाँ पे लाते लाते ब्राउन हो गया था, लेकिन इसके अंदर देखो क्या क्या ग्रीन कलर कलर एंड ऐसे फॉर्म में ग्रो हो रहा है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में भी नहीं हो पा रहा लेकिन इसमें कुछ फेलियर भी है जैसे बॉल बाइटिस। आप एक एक्सपर्ट हो यहाँ पे, अब बॉल बाइटिस मुझे पता नहीं कि इनको क्या हो गया, कौन सा रोग हो गया। आप यहाँ पे जो बॉल बाइटिस यूज कर रहे हैं वो अंदर, इसको हम मिनी बॉल बाइटिस बोलते हैं। इट्स अ टेरेस्ट्रियल वैरायटी एक्चुअली, राइट? इट इज नॉट एन एक्वाटिक वैरायटी और सेमी एक्वाटिक, इट्स मोर ऑफ अ टेरेस्ट्रियल वैरायटी। जी, आप अगर इसका पोजीशन चेंज करें, से उसके राइजोम में पानी चाहिए, ओके, एक ओके, इट शुड बी वेट, ओके, बट द लीफ शुड नॉट हैव टू मच वाटर। मतलब आप जो स्प्रे करते हो लीफ में बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, अच्छा, सो वो लीफ सड़ रहा है। अच्छा, तो आप उसको ऐसे जगह मूव करें जहां पे लीफ ड्राई हो, डायरेक्ट स्प्रे का पानी उस पे ना आए, ओके, लीफ ड्राई होना चाहिए बट जो राइजोम है वो मॉइस्ट होना चाहिए। वो सी दादा, अभी ये फर्न जो है ना, सी ये सब पुराने लीव्स, ये हटना चाहिए। दूसरा एक और टेक्निक में समझाता हूँ, ये स्प्रे आपको इस तरफ आ रहा है, yes. इसलिए ये लीफ कुछ नहीं हो रहा, खराब नहीं हो रहा, यहाँ पे नया लीफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज जहां पे पानी ज्यादा है वो टिकेगा नहीं, वो टिक नहीं। ये जितने भी फर्न्स है आपको कावेरी रिवर, ये सब रिवर्स के बाजू में आपको बुशी दिखेगा, बिकॉज द सॉइल इज वेरी मॉइस्ट बट सनलाइट बहुत अच्छा है। तो ऑल्सो द फैक्ट दैट यू हैव लाइटिंग हियर इज वेरी यूजफुल, वो लाइट के जितना पास होगा वो हीट और इसकी वजह से ज्यादा सुंदर आएगा। इस वाले में भी वही हो रहा है, एकदम डायरेक्ट लाइट है, तो पुराने वाले खराब हो गए वो, ये सब ना ये निकालते रहना है, ये सब निकालते रहना है, लेकिन आप देखो उसमें नया ग्रोथ कितना। सो जितना ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ डेली ट्रिमिंग का काम होना चाहिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो आपका सेम, वो पीछे जो आपने वो बटन फर्न बोलते हैं, सेम प्रॉब्लम उसका भी, उसमें लीफ में बहुत पानी, लीफ में बहुत पानी जा रहा है, तो इसलिए ये वाले फर्न इज डूइंग वेल, दिस एग्जैक्टली, क्योंकि इसका बेस गीला है और लीफ में इसका पानी नहीं, पानी नहीं। अब मैं समझा, ये देखिए कितना सिंपल एक रूल ऑफ थंब है। सो अगर आपको वहां पे डालना है तो आप नॉर्मल जावा फर्न यूज करें, जो जो एक्वाटिक एक्वाटिक सेमी एक्वाटिक है वो भी, तो वो आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसके लीफ पे अगर ज्यादा पानी गिरे भी तो प्रॉब्लम नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सो आप नीडल लीफ या ट्राइडेंट, एक्चुअली विंडलो फर्न बहुत सुंदर आएगा। विंडलो फर्न एक्वेरियम में उतना इजीली नहीं आता, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बहुत सुंदर आएगा। ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि फर्न में मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि कई बार मैंने ट्राई किया है और ये वाला नॉलेज मेरे पास नहीं था कि किसके लीफ में किसके राइजोम में पानी। फर्न्स दे डोंट, वो पसंद नहीं करते, ओके, इट्स लाइक दैट। सो अगर आप फर्न्स देखोगे तो ज्यादातर स्लाइटली कोल्डर क्लाइमेट्स वैसे होंगे, वेयर द सॉइल और द जमीन मॉइस्ट होगा लेकिन फर्न ऊपर ड्राई होगा, ओके, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट इट हैवी रेन में या ओवर पानी में वो टिकता नहीं, टिकता नहीं। बट जावा फर्न इज वन हेवी पानी में, बिकॉज अगेन वो रेन फॉरेस्ट वाला प्लांट है, राइट, ओके, ये रेन फॉरेस्ट वाला प्लांट, सो वो टिकता है। बॉलबाइटिस कंफ्यूज इसलिए होता है बिकॉज ओरिजिनल बॉलबाइटिस कॉन्गो रिवर एरिया, अच्छा, लेकिन ये वाला बॉलबाइटिस इंडियन प्लांट है, केरला का है, मतलब वेस्टर्न घाट का प्लांट। इस पैलोडेरियम का वाटर टैंक एक 1 फीट का है, जहां पे ये पानी सर्कुलेट होता है ऊपर से नीचे, ऑटोमेटिक स्प्रे होता है या बारिश होता है हर 90 मिनट्स में, मतलब एवरी 1.5 आवर्स इसमें थोड़ा बहुत बारिश होता है, वो भी 1 मिनट के लिए, ताकि पूरा सिस्टम मॉइस्ट रहे, ह्यूमिड रहे और उसके अंदर बाप हो, बिकॉज 23 डिग्रीज हमने रख दिया बट हमें ह्यूमिडिटी थोड़ा हाई चाहिए, बिकॉज ये सब ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स बोल सकते हैं। एंड अगेन सी दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल, अगर आप ट्राई करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, एंड इस ट्रायल एंड एरर में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट कैसे आप यूज कर सकते हैं, ओके? नाउ ये पूरा पैलेडेरियम बनके एक 2-2.5 महीना हुआ है एंड ग्रोथ बहुत सुंदर है, येट अभी भी इसमें फिश नहीं डाला,
मैं बोल रहा हूँ अभिषेक दा को कि जावा मेडिका राइस फिश एक 15-20 मे बी एक पैर अपिस्टोज या बेटर्स ऐसा कुछ डालने का जो बहुत ही सिंपल है, नेचुरल है, देसी है, तो ये मैं बोल रहा हूँ उनको। बट आपका अगर कोई इंटरेस्टिंग चॉइसेस है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो हो सके कि वो चॉइसेस यूज हो जाए या अभिषेक दा को इंटरेस्टिंग आइडियाज मिल जाए। ओके चलो, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो गया। अब मेरे लिए थोड़ा काम की बात, मेरे बैंगलोर ऑफिस में और मेरे बॉम्बे के ऑफिस में हम एक एक बनाएंगे, तो बताइए कब बनाएंगे? अभी शुरू करते। चलो, मैं तो बनाने के लिए हमेशा रेडी हूं। रेडी। सो इस बार ये पैलोडेरियम बनाने का शायद वीडियो हम नेक्स्ट जल्दी ही दिखाएंगे। मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ, वो आइडिया कॉन्सेप्ट वगैरह मैं समझने वाला हूँ। ये कैसे एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करके वो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं वो भी सीखने वाला हूँ। बट ये सब आगे आने वाले वीडियोस में बनते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आपका जो एक्सपर्टीज है आप प्लांट्स लेके, वो मुझे सीखना है आपसे, इसलिए मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी फन, बहुत मजा आने वाला है। नाउ तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, मजा लिया, अभिषेक दास से मिले, कॉन्वर्जेशन हुआ, काफी कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला, एंजॉय करने को मिला। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, अभिषेक दा की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। और मेरे तरफ से हैव अ फैंटास्टिक 2022, हैव अ ग्रेट ईयर, बहुत मजा करो, बहुत एंजॉय करो, कुदरत को घर लेके आओ। एंड ऑफकोर्स ये वीडियो था एक आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी के बारे में, रचनात्मकता के बारे में। मेरा हिंदी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया है, मतलब मेरा तो दांत टूट गया। सो और मजा करते रहेंगे, आप देखते रहो, एंजॉय करते रहो। हाँ, अगर वो सब्सक्राइब बटन दिख जाए तो दबा देना, मजा आएगा। चलो ओके बाय। So those are all weeds actually. These are all weeds. Yeah, those are weeds. You need to keep trimming them out. Yeah. और थोड़ा सा बढ़ने देंगे. Then trim it out. Yeah. All of these. So this particular rose moss that you had, वो कौन सा वाला है? So this is the rose moss. Okay. That is from Uttarakhand. Yeah. See, this is opening up beautifully. Yeah. Right. So यहाँ पे after getting the actual beautiful condition, they are growing even farther. Yeah. So maybe they will change form. Like correct. All mosses change correct. Form in different correct. Environment. Hmm. So this is a laboratory. This is a different moss. Yeah. This is a different moss. Yahan pe see the growth of Bucephalin rosea, the color of new leaf coming. Hmm. It's like deep reddish orange. Yeah. This is a heart leaf fern. Hmm. I really like this fern. See, ye wala fern, it gives a... That's Physidens fontanus. This is a fern that grows in the base of pine trees. It's a terrestrial fern. Terrestrial. Yes. Okay. So it gives a look of pine cone. इसको जैसे we have correct. Fixed it. Yeah. So बहुत ही interesting. Like love these mosses. ये जो mosses grow हुए हैं ना, these are all from dead, like brown हो गए थे. You can still see पीछे. ये पिछले 2-3 साल पहले के रखे हुए moss. Okay. वो मेरे फ्रिज में था, वो ऐसे पूरा ब्राउन हो गया था, उससे पूरा ग्रो किया है। ये अरविंद ने बोला था कि ये नहीं होगा, ये पूरा मर गया, सर गया। नहीं नहीं, मॉस ब्राउन कितना भी होने तो वापस आ जाएगा। रुको, तो दो हफ्ते जाने दो। नाइस, गुड शो।